हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस फिल्मी मेट के एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए साउथ की 5 ऐसी नई मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवीज लेकर आया हूं, जिसमें आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली मर्डर मिस्ट्री, क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलेगा। और इस लिस्ट की लगभग सभी मूवीज आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको आपके कुछ मोस्ट डिमांडेड हिंदी डब्ड मूवीज को भी कवर करने वाला हूं। तो बिना स्किप किए बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको साउथ की नई नई मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस काउंटडाउन लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आती है साल 2023 में रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर मूवी रोश। कहानी में तीन दोस्त एक डिलीवरी बॉय को गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और उसकी रोड पर ही मौत हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ देर बाद एक घायल डिलीवरी बॉय यह कहते हुए घर में एंटर करता है कि उसे देरी हो गई क्योंकि किसी ने उसे सड़क पर कार से टक्कर मार दी थी। तो इसके बाद क्या होता है ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। 5.1 IMDb रेटिंग के साथ ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसमें महाअक्षय चक्रवर्ती, निकिता सोनी जैसे कास्ट देखने को मिलेंगे। ये मूवी हिंदी में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर आती है साल 2023 में आई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी धूमम। कहानी में अविनाश नाम का एक मार्केटिंग हेड है जो एंटी स्मोकिंग अवेयरनेस के लिए एड चलाता है। लेकिन कहानी में टर्न आता है जब वो एडवर्टीजमेंट लोगों को इनडायरेक्टली स्मोकिंग करने के लिए इनकरेज करती है। तो आगे क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। 5.6 IMDb रेटिंग के साथ ये मलयालम लैंग्वेज की एक अच्छी मूवी है जिसमें फहद फसील, अपर्णा बाला मुरली, रोशन मैथ्यू जैसे कास्ट देखने को मिलेंगे। फाइनली ये मूवी हिंदी डब में अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 3 पर आती है साल 2019 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी K-13। कहानी है एक एस्पायरिंग डायरेक्टर की जो एक मिस्टीरियस लड़की के साथ घर आता है। लेकिन जब वह सुबह में जगता है तब लड़की मर चुकी होती है और खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। तो कौन थी वो मिस्टीरियस लड़की और ये सब कैसे हुआ, जानने के लिए आपको ये मूवी पूरा देखना होगा। 6/10 IMDb रेटिंग के साथ तमिल लैंग्वेज की यह एक अंडर रेटेड मूवी है जिसमें अरुण निथि, श्रद्धा श्रीनाथ, गायत्री जैसे कास्ट देखने को मिलेंगे। इस मूवी को आप हिंदी डब में यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। नंबर 2 पर आती है साल 2023 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी डिटेक्टिव कार्तिक। मूवी की कहानी में एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का मर्डर हो जाता है जिसे ऋषिता नाम के एक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लापता हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड डिटेक्टिव कार्तिक इस केस को सॉल्व करते हुए ऋषिता को ढूंढने की कोशिश करता है। तो आखिर कौन है इन सब के पीछे, जानने के लिए आपको ये मूवी पूरा देखना होगा। 6.7 IMDb रेटिंग के साथ तेलुगु लैंग्वेज की यह काफी अच्छी मूवी है जिसमें रजत राघव, अनुशन उथल्ला, श्रुति मोल जैसे कास्ट देखने को मिलेंगे। ये मूवी हिंदी डब में अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है। नंबर 1 पर आती है साल 2023 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी RDX। मूवी की पूरी कहानी रॉबर्ट डॉनी और जेवियर नाम के तीन लोगों के अराउंड घूमती है जो मार्शल आर्ट में महारत हासिल करते हुए बड़े हुए हैं और अपने दम पर सभी प्रॉब्लम्स का सामना करता है। लेकिन कहानी मोड़ तब ले लेती है जब कुछ पुरानी घटनाओं के चक्कर में उनके सामने कुछ ऐसी समस्या आ जाती है जिससे तीनों को निपटना पड़ता है। मूवी की स्क्रीन प्ले काफी अच्छी है जहां आपको जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलता है। 7.2 IMDb रेटिंग के साथ यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसमें सेन निगम, एंटोनी बर्गिस, महिमा निम्बियार जैसे कास्ट देखने को मिलेंगे। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही और भी मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखने के लिए इन दोनों वीडियोज में से किसी एक पर क्लिक कीजिए। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।